नमस्ते इंडिया। नाखूनों में चोट लगने पर नाखून के अंदर काला धब्बा जैसा हो जाता है। दरअसल ये काला धब्बा नहीं होता है बल्कि आपका खून होता है। दरअसल जब नाखूनों में चोट लगती है तो इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह वो जो खून है वो आपके स्किन और आपके नाखूनों के बीच में फंस जाता है, उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती है। अगर आपको अभी अभी चोट लगी है, नाखून में निशान पड़ गए हैं, नाखून में दर्द हो रहा है, तो मैंने अलग से इसके बारे में वीडियो बनाई है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से फुल वीडियो देख सकते हो। मगर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरानी चोट के बारे में, जिसमें आपको ना दर्द हो रहा है बल्कि निशान रह गया है। तो इस निशान को आप कैसे मिटा सकते हो? देखिए, वैसे तो जब चोट लगती है तभी इसका इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो इसको वो ब्लड को बाहर निकलने की या तो फिर ठीक करने की बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको आगे चल के स्किन इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर डेड स्किन्स होती है, बैक्टीरिया होता है, जिसके चलते स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। तो जब आपको चोट लगती है तभी आपको घरेलू नुस्खे अपना कर या फिर कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी क्रीम लगाकर आपको इस चोट को ठीक कर देना चाहिए। मगर आपने समय रहते इलाज नहीं किया है और अब आप महसूस कर रहे हो कि नहीं, मतलब ये निशान को निकाल देना चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, भले आपको दर्द नहीं हो रहा हो फिर भी वहाँ पर आपका खून, दरअसल ये जो काला धब्बा है वो आपका खून होता है, ये कोई धब्बा नहीं है। दरअसल ये खून आपके नाखून और स्किन के बीच में फंस गया है, इसको निकलने की जगह नहीं मिल रही है क्योंकि वो खून पूरी तरह से ड्राई हो गया है। इसलिए इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मगर इसको निकालना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि इससे आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ आसान से नुस्खे के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको मेरी चैनल से मिलती रहेगी। देखिए, जब आपके नाखून में चोट फ्रेश होती है, जब आपको नई नई चोट लगी है, तब आपको ठंडी सिकाई यानी कि बर्फ़ से सिकाई करनी होती है, जिससे कि जो जमा हुआ खून होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो वो, और वो खून जो है वो वापस से अंदर अच्छे से फैल जाए बॉडी में। मगर आपकी पुरानी चोट है तो आपको बर्फ़ की सिकाई करने से इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरी तरह से ड्राई हो गया है। तो आप इस दौरान गर्म सिकाई करना है, आपको गर्म पानी में अपने नाखूनों को डुबाकर रखना है। अगर आपको पैर में लगा है, हाथ में लगा है, तो आपको एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार अपने नाखूनों को गर्म पानी में डुबाकर रखना है। ये आपको बहुत सारे दिनों तक करना पड़ेगा। इससे डेफिनेटली आपका जो धब्बा है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाएगा। देखिए, आपको इसमें कुछ चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे कि आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी आपका नाखून जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आपको ये ध्यान में देना है कि क्या वो निशान भी आपके नाखून के साथ बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर की ओर आ रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे कि सिर्फ नाखून ही लंबे हो रहे हैं मगर खून का निशान उसी जगह पर अड़ा हुआ है, तो आपको डॉक्टर की राय ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो खून आपके स्किन के साथ चिपका हुआ हो सकता है, जिसको हम घरेलू नुस्खे से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो आपको अपने डॉक्टर की राय पर आप कुछ ट्रीटमेंट करा सकते हो। मगर अगर वो निशान आपके खून आपके नाखून के साथ चिपका हुआ होगा तो जैसे जैसे नाखून बढ़ेंगे वो निशान भी ऊपर आता जाएगा, जिसके चलते जब आप एकदम ऊपर आ जाएगा, आप नाखून काटोगे तो वो निशान भी कट जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, जैसे कि नख लंबे होते हैं, नाखून लंबे होते हैं, ठीक है, तो वो निशान भी आपके नाखूनों के साथ ऊपर आता जाना चाहिए। अगर ऐसे ही ऊपर आता गया तो आप नेल कटर से काट कर वो निशान जो है वो वैसे भी निकल जाने वाला है, क्योंकि ये खून जो है अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी वो ब्लड सारा नाखून के साथ चिपका हुआ था। अभी ऐसे केसेस में डेफिनेटली आपके जो नाखून जो है नाखून के साथ जो खून होता है, जो धब्बा होता है, वो ऊपर आने लग जाता है। जस्ट लाइक कि हम नेल पॉलिश करते हैं, देखिए जैसे कि मैंने अभी नेल पॉलिश की, तो वो महीने बाद हम देखेंगे तो इतना काफ़ी ज़्यादा नेल पॉलिश भी नाखून के साथ ऊपर आने लग जाती है। ठीक इसी तरह किसी केसेस में, काफ़ी ज़्यादा केसेस में, ये जो नाखून वाला धब्बा है वो नाखून के साथ ऊपर आने लग जाता है। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो की बात कर रहे हैं,
तो ऐसे में बहुत ही सिंपल है, आप जब नाखून काटोगे तो निशान भी वैसे भी कट जाने वाला है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपका जो वो फंसा हुआ जो खून है वो स्किन के साथ चिपका हुआ है, आपके नाखून लंबे हो रहे हैं मगर ना अब वो निशान उधर के उधर ही है, मतलब कि ये आपकी स्किन में इन्फेक्शन कर सकता है। आप गर्म पानी में कुछ दिन तक इसको ट्राई कर सकते हो, अगर हल्का हल्का हो रहा है तो फिर हम कुछ आगे देख सकते हैं, वरना आपको अपने डॉक्टर की राय ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।